कोरोना महामारी को देश और दुनिया से ख़त्म करने के लिए देश उठ खड़ा हुआ और मंगल कामना करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में दीपक जलाए गए, मोमबत्तियां जलाई गई और मोबाइल के फ्लैश जलाए गए। आप भी देखें ये पूरी खबर हमारे साथ, किसने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, कोरोना को भगाने के लिए क्या योगदान दिया, आप भी देखें। रात को 9 बजे हैं और हम सिंघवी परिवार में खड़े हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने दीप जलाए हैं और दीप के साथ में मंगल कामनाएं कर रहे हैं कि देश और दुनिया से कोरोना खत्म हो और सभी स्वस्थ हो, सभी अपने क्षेत्र में विकास करें और बीमारी है वो जल्दी से खत्म हो। आप क्या मंगल कामना कर रहे हैं, आज क्या किया है आपने? आज हम यही मंगल कामना कर रहे हैं कि आज मोदी जी ने यह कहा है कि आज 9 दीपक लगाना, हमने आज 9 दीपक लगा दिया है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आज से कोरोना खत्म हो जाए। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा के अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होते तो मेरी ख्याल से आज जितना कंट्रोल मोदी जी ने अपने पूरा समय देकर और किया है उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी वो ऐसा ही कार्यक्रम करते रहें। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? वक्त से पहले दिवाली मना रहे हैं हम और मोदी जी की मुहिम जो प्रकाश जो हमें एनर्जी देगी, इस एनर्जी के द्वारा हम इस कोरोना को भगाने में बहुत बड़े भागीदार सहित हो। आप बताओ क्या मंगल कामना कर रहे हैं आप? आज यही लगा कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब आज मैं सौभाग्य महसूस हुआ कि आज एक नेता ही नहीं, वह नायक रूप में हमें महसूस हुआ है उनके बारे में।
और पहले उन्होंने हमें संपूर्ण नाद का आह्वान किया था जो हमने कुछ टाइम पहले किया, और आज हम दीपक जला के और ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मोदी जी, एंड जब सब पूरा देश साथ में आके ऐसे दीपक जला रहा है उससे एकता का जो सब जगह एकता आ रही है उससे हम लोग को बहुत शक्ति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, एंड इट हेल्प्स अस गो थ्रू दिस प्रोसेस इजीली। छोटे बच्चे क्या सोच रहे हैं मोदी जी के प्रति? छोटे बच्चे की क्या मंगल कामना कर रहे हैं? सब साथ में सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी समर्थन कर रहे हैं और सभी मंगल कामना कर रहे हैं कि देश और दुनिया से कोरोना खत्म हो और सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी तरफ खुशहाली हो और आम जन जीवन स्वस्थ होके अपना फिर से एक नया अध्याय, नया सूरज का उदय हो और नया भविष्य में सभी के नए नए काम हो, इस तरह की मन में और प्रकट रूप में वो मंगल कामना दीप जलाकर कर रहे हैं। हेमेंद्र श्रीवाली, उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि कोरोना महामारी का अंत होना चाहिए और आम जन देश और दुनिया के इस महामारी के अंत करने को आज अपने अपने जो कवायद हैं वो कर रहे हैं। रात को 9 बजे हैं और सभी अपने दरवाजों और दहलीज पर आ गए हैं और घर के बाहर जो देरी है वहां पर खड़े हैं और अपने हाथों में मोमबत्ती लिए हैं। जैसे ही 9 बजती है और लाइट बंद होगी और सभी अपने हाथ में दीपक और मोमबत्ती लिए खड़े हैं और मोमबत्ती 9 बज गई है और सभी जिलों की नगरी के जो वासी हैं वो अपने हाथ में दीपक लिए हुए हैं और कोई मोमबत्ती जला रहा है, कोई दीपक जला रहा है और कोई मोबाइल की फ्लैश टॉर्च भी जला रहा है। आप ये नज़ारा देख रहे हैं जिलों की नगरी का, जहां पर एक आम जन कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए आह्वान कर रहा है और संकल्प ले रहा है कि वो राष्ट्र धर्म निभाते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए आज दीप जलाकर प्रकाश कर रहा है कि ये महामारी देश और दुनिया में जल्द खत्म हो और अमन चैन कायम हो। हमारे साथ में परिवार के मुखिया हैं नवल सिंह जी सरुप्रिया, ये सरुप्रिया परिवार हैं। नवल सिंह जी आप बताएं क्या आपके मन में उत्साह है और आपके जीवन में आपने क्या जीवन ये जिंदगी जीने की कला है जी। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो हर जीवन के अंदर आप हर कठिनाई का सामना कर करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ में नवल सिंह जी के धर्मपत्नी हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? अमन चैन से जीना चाहते हैं और सबको सुखी रखें भगवान। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं सब अपना ध्यान रखें, ये वक्त भी निकल जाएगा, मुश्किल वक्त है। प्रकाश जैसे प्रकाश अंधकार के बाद प्रकाश आता है वैसे ही इस बीमारी से लड़के सब जने निकलेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। सभी स्वस्थ रहेंगे, महिलाओं की विशेष जिम्मेदारी होती है, आपने किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाया है और बच्चों को शिक्षा दी है? हम इस घड़ी में हमारे जैन समाज का मंत्र टोका मंत्र के माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं, हम ये बोलेंगे टोका मंत्र नमो। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? हमें इस मुश्किल की घड़ी में सभी का साथ देना चाहिए और घर में ही हमारे नरेंद्र मोदी जी का आदेशों का पालन करना चाहिए। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं?
हमें पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, बाहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने घरों में ही रहना चाहिए और अपने हाथों को अपने मुंह पर ना लगाएं, स्वस्थ रहें और अपने हाथ लगातार धोते रहें। इतने दिन तक आप घर में रहे, आपको क्या लगा, क्या ये आप इस पूरे कवायद को सहन कर पाए और भी आगे भी कोई ऐसे आदेश होंगे उसकी पालना करेंगे? पालना तो करेंगे क्योंकि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए हमें जो वो पर हमसे हमें करना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें घर पे रहना पड़ रहा है। ये हमारे पास मौका है अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, इसे ऐसे लीजिए और सबके साथ खुश रहिए और सबके साथ समय बिताइए। आप बताएं आपका क्या कहना है? स्टे होम स्टे सेफ, यही बस प्रधानमंत्री जी का यह है मंत्र, तो इसी को फॉलो करना चाहिए सबको ताकि ये दुनिया इसी चीज से बच सकती है कि आप घर पे रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। सभी अपने अपने अनुरूप वो इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और जन जागृति ला रहे हैं कि आम जन सुखी रहे, आम जन स्वस्थ रहे और देश का हर आदमी तरक्की करे और दुनिया इस कोरोना महामारी से मुक्त हो। आगे भी इसी तरह से जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलेंगे उसका आम जन अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, 100% पालन करेंगे और देश और दुनिया को खुशहाल बनाएंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी के ये नज़ारे, हर घर के बाहर दीपक जले हैं, हर घर के बाहर मोमबत्ती जली है और बड़े प्रेम भाव से लोगों ने इस अभियान में अपना योगदान दिया है। किसी ने आतिशबाजी की है तो किसी ने छतों पे ये जगदीश मंदिर का नज़ारा, हर सीढ़ी के ऊपर दीपक जले हुए हैं और भगवान से यही मंगल कामना कि इस महामारी का अंत हो। ये बटेणी चोटा इलाका है, हर गली हर मोहल्ले हाथीपोल का यह इलाका है और ये मावा गणेश जी का इलाका, हर खिड़की में लोग खड़े हुए मानो अंधकार का नाश कर रहे हों और उजाले का स्वागत कर रहे हों। ये सिलावटवाड़ी का इलाका और मोती चोटा का इलाका आप देख रहे हैं, जाति पांति धर्म मजहब सब छोड़कर राष्ट्र धर्म को पहले लेकर सभी ने दीप जलाए हैं और यही कामना की है कि इस महामारी का अंत हो। देव मीनारिया क्या कह रहे हैं आप भी सुन सुन। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना आतंक जमा रखा है, वही अपने मोदी सरकार द्वारा लिए गए आदेश अनुसार आज हम पूरे भारत में और मैं पूरी मेरी फैमिली के साथ में यहाँ पे दीपक जलाए, हमने कैंडल भी जलाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार हमारे लिए, हम सब सुरक्षित रहे उसके लिए दिन रात एक करके इतना सारा मेहनत हमारे लिए कर रही है। तो हम, मैं और मेरे पूरे परिवार के मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो कुछ फर्ज हमारा भी बनता है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करें। जय हिंद जय भारत, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। हमारा देश आध्यात्मिक देश है और हमेशा प्रार्थना की जाती है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। आज जो महामारी के रूप में अंधकार छाया है उसे हम सामूहिक रूप से दीप जलाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी में हमें बाहर निकालें। आओ हम दीप जलाएं आशा और विश्वास का, अखंडता और एकता का, अंधकार से उजाले का। आओ हम दीप जलाएं।
ज्योति परम ज्योति दीपः ज्योतिर्जनार्दन दीपो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है, और जैसा कि आज कल हमारे देश के अंदर कोरोना का अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार के नैराश्यमयी वातावरण में उसको सकारात्मक बनाने के लिए ये हम सब लोग मिलकर दीप जला रहे हैं। इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबका मंगल करें और प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भरे, सब आरोग्य वर्धक हो और सब स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। ये दीपक ज्योति भारतवर्ष के नाम नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता की ओर, निराशा की जगह आशा की ओर, हम सब भारतवर्षी एक हैं, एक रहेंगे, लड़ेंगे कोरोना से और जीतेगा भारत, इसी संदेश के साथ पूरे भारतवर्ष को आज एकजुट होने के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। दीपक से ये संदेश दिया गया, स्टे होम सेफ, सभी अपना अपना संदेश दे रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि हर घर हर परिवार स्वस्थ रहे और देश और दुनिया में सभी प्रगति करे। आतिशबाजी के ये नज़ारे और आप देखें माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कहीं कहीं लोगों में अपार उत्साह भी देखा गया, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओम शुक्राशु शुक्मा उशो नार पप्रा सामी। एक मिनट, अपने पास मोबाइल हो ना, बत्ती सब जलाए मोबाइल में, आरती हो जाएगा। अपने अपने मोबाइल में सब लाइट ऑन करे, पूरा पंडाल जिसके पास हो सदुपयोग करे। अब यहां से आकर देखो तो पता लगे क्या राम राज्य है, लेकिन आना मत। साहब अभी मिनट दे रहा हूं साहब।